तो अपने को लग चुका है मोटा मोटा 80 से 90 तो हो गया, मेरा तो 80 से 90 हज़ार रुपये का फटका लग चुका है। खाली सर से, अरे भाई तो बहुत लंबी से रेंट पे नहीं मिलती है, रेंट पे नहीं मिलती। 20 Yo, what is up people? This is your boy Nitha Phadio. So, इसके हाल आप लोग हैं। It's been a very long time, guys. काफी वक्त, मतलब काफी समय हो चुका है। इंस्टा पे, मतलब सिर्फ इंस्टा पे एक्टिव है, यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है पिछले एक महीने से। तो फिलहाल के लिए एक एडमिनी गॉड स्पिन आजकल क्या है, इसमें थोड़ा ना ज़्यादा खर्चा आ चुका है। आप लोगों को पहले राइड बता रहा हूँ, राइड क्या है हमारी। आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से आगे, बेसिकली वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, महाभारत का म्यूज़ियम है, और हम जा रहे हैं द ग्रेट खली से मिलने। वहाँ पे एक ढाबा है ग्रेट खली ढाबा करके, तो उस ढाबे पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उससे म्यूज़ियम भी जाएंगे। तो काफ़ी फन राइड होने वाली है आज। हम 3 राइडर्स, जितना मेरे को पता है, एक मैं हूँ, चाचा है और एक रॉबिन है, रॉबिन एज ऑलवेज ट्रैवलिंग पार्टनर। तो फिलहाल के लिए गॉड स्पीड को स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगा, अभी ना जैसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं ना, तो कोल्ड स्टार्ट में क्या है, दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ दिस, खर्चा मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखना ये देखो, सी दिस थिंग इज, ये देखो ये अभी RPM इसका जो है ना एक पे फ्लक्चुएट कर रहा है। वैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में RPM एकदम से 2 पे चल जाता है, बट अभी इसका RPM एक पे फ्लक्चुएट करता है। तो फिलहाल के लिए गाड़ी में आने वाला बहुत बड़ा फटका, सर्विस भी होने वाली है, ब्रेक पैड में डलने वाले हैं, और टायर का सेट मैं आपको दिखाता हूँ। बाइक टायर मांग रही है नया, जल्दी नया टायर लगने वाला है इसमें, तो मोटा खर्चा वाला भी इसमें आपको दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आवाज़ देखो कैसी हो रही है, कुछ 2 मिनट ठीक हो जाए उसके बाद। अरे देख ये गाड़ी एक्चुअली ना इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, देखो अब नॉर्मल RPM पे आ गई है, देखो अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है, इट्स लाइक ब्रीदिंग, इट्स चोकिंग राइट नाउ। तो इसे ठीक कराएंगे फटाफट से, ये राइड मारते हैं लॉन्ग राइड, उससे आगे से इसकी सर्विसिंग कराएंगे, क्योंकि सर्विस मांग रही है बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से नीचे निकलते हैं, उसके बाद आपको रास्ते बताऊँ क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है, कितना खर्चा आना है। हम लोगों ने फिलअप करा लिया, कुछ 2600 रुपये के आसपास का पेट्रोल आया, बेसिकली 100 ऑक्टेन आया था, तो इसलिए 2600 के आसपास का है। राइड की स्टार्टिंग में 100 ऑक्टेन आ रहे, बिकॉज आगे देखते हैं कैसा फ्यूल मिलेगा कुछ पता नहीं है, इसलिए 100 ऑक्टेन आ रहा। ऊपर से मैं सोच रहा हूँ अगर कावासाकी भी खुला होगा ना, तो एक फ्यूल क्लीनर आता है वो डलवा देंगे, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर। बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी थ्रॉटल बॉडी होती है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि बॉडी, मतलब बेसिकली बाइक ने चोक कर रही है, उसको प्रॉपरली एयर नहीं मिल पा रही है, उस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, चल जाते बंद हो जाती है कभी तो वैसे अराउंड क्या 8,934 किलोमीटर हम क्लॉक कर चुके अभी तक। 12,000 पे सर्विस होती है, मैं सोच रहा हूँ 10,000 पे सर्विस करवा लूँ, या फिर जैसे ही वहाँ से आऊँगा, आज हमारी राउंड ट्रिप मेरे ख्याल से मोटा मोटा 400 किलोमीटर के आसपास की होने वाली है, जिसमें से हाँ शायद से हो सकता है कि 400 किलोमीटर के बाद आके मैं सर्विस कराऊँ। तो अभी चलो निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको आगे रास्ते मिलता हूँ। चलो तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कावासाकी के शोरूम पास, आप देखते हैं खुला है तो अगर अभी खुला होगा तो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर ले लेंगे बेसिकली, पर नहीं। वाह भाई 8 बज रहे हैं, उपेंद्र सर खोल लिया करो इसे। तो गाइस अभी तो फिलहाल के लिए कावासाकी के शोरूम बंद है और फ्यूल क्लीनर अपने को मिलेगा नहीं, तो अभी काम करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं सीधा अपना ट्रिप मारेंगे। ट्रिप में आगे जब वापस जाएंगे घर की तरफ को, यहीं से जाएंगे और कावासाकी के शोरूम से एक फ्यूल क्लीनर इंजेक्टर उठा देंगे, बिकॉज वो ज़रूरी हो चुका है काफ़ी, वरना अगर वो नहीं यूज़ करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी एयर लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। फिलहाल के लिए ISBT पहुँच चुके हैं और अपने ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई सुबह के 8 बज रहे हैं, भैया ट्रैफिक देखो अब, ये मैं सोचो कि मेरे को अभी ट्रैफिक मिला, मेरे को बहुत पीछे ट्रैफिक मिल रहा था, मैं सोच रहा हूँ छोड़ के रिकॉर्ड करना आप पर, जब इतना ट्रैफिक दिया मैं आपको दिखाई दूँ, इस वजह के 8 बज रहे हैं और इतना ट्रैफिक है आज। ये बेसिकली अगर आप, मैं आप लोगों को रूट बता रहा हूँ, अभी हम फिलहाल के लिए मोहन में हैं, तो हम लोग मोहन सहारनपुर वाले रास्ते होते हुए जा रहे हैं, हमें जाना है कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे, तो मतलब मेरे कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा करनाल की तरफ को जाना है, बेसिकली कुरुक्षेत्र पहुँचना है करनाल की तरफ जाना है, तो इस सहारनपुर होते हुए जा रहे हैं, बेसिकली अच्छा है भाई, अच्छा है कुछ मोहन होते हुए जाने को, हम हरिद्वार भी जा सकते, हरिद्वार होते हुए वैसे तो लंबा था बट
ये है कि वो इससे तो अच्छा था, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से तो मतलब हम लोगों को मोहन पार करेंगे तो उसके काफ़ी ठीक ठाक रास्ता मिल जाएगा, अच्छा खासा हाईवे। फिलहाल ये ट्रैफिक तो काफ़ी है इस रोड पे, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को कि इतना ट्रैफिक मिल जाएगा फिलहाल यहाँ पे। तो खैर चलो अपनी राइड भी कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से आगे मिलता हूँ। लुक एट द ट्रैफिक मैन, लुक एट द ट्रैफिक, ट्रैफिक देखो अब कितना भयंकर ट्रैफिक है आज भाई साहब। आजा भाई आजा 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 आजा। हाँ इसे चेक करो सामने देखो रिएक्शन, अब मुझे नहीं पता आपको मिरर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट रिएक्शन चेक करो। कहाँ तुम लोग, आई एम नॉट एबल टू सी यू गाइस। ओ भाई साहब द रिएक्शन, शी इज लाफिंग ब्रो। पर गाइस दिस टैंक स्लैप बहुत आता है इसमें यार, टू मच फन गाइस। आप लोग वेदर चेक करो भाई साहब, क्या प्यारा वेदर हो रहा है, मतलब ना इतनी गर्मी लग रही है और ना बेसिकली बारिश भी नहीं हो रही है। एक्चुअली ना मॉनसून का सीजन चल रहा है, जुलाई चल रहा है, जैसे आपको बताया शायद अगर मैंने नहीं बताया था, 7th of July है, मैं दोबारा बताया था। तो मॉनसून का सीजन चल रहा है और पिछले कुछ 7-8 दिनों से ना हमारे देहरादून में कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, सूरज देखने को नहीं मिल रहा था। खैर हमने राइड पर तो जाना, हमने वो सोचा था राइड पर जाएंगे जब बारिश हो जाए, देख जाना तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिलहाल भगवान देखो कितना साथ दे रहे हैं और मौसम देखो कितना ही प्यारा मौसम हो रहा है, ऐसा मौसम हो बगल में हरियाली, खेती हो रही है, इधर खेती हो रही है, धान लग रहे हैं, कुछ लग रहा है भाई, ये दिस इज लाइक एक्चुअली वन ऑफ द परफेक्ट वेदर यू कैन हैव टू राइड। हम लोग अपने पहले स्टॉप पे रुक चुके हैं, श्याम पंजाबी रसोई करके, स्टॉप की ज़रूरत नहीं थी बट चाचा ने बोला क्या करेंगे आराम आराम चलते, अभी हली भी नहीं आया और म्यूजियम भी खुला नहीं, तो हम ऑलमोस्ट हम लोगों ने अराउंड 110 किलोमीटर क्लॉक कर लिया और आई गेस 70 के आसपास बचे, 180 था हमारे टोटल। तो फिलहाल के लिए सब बैठे हैं, अपनी बाइक गॉड स्पीड उधर खड़ी है, चाय पीते हैं और चाय पीने का मिलता है। चलो तो गाइस हम लोग अभी अपने डेस्टिनेशन से कुछ अराउंड मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। बट गाइस मैं आपको बताऊं यहाँ पर इस टाइम 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, मतलब हद से ज़्यादा भाई, मैं बोलता हूँ अपने देहरादून का वेदर इस टाइम पे बेस्ट हो रखा है, मतलब पिछले 8 दिन से क्या बारिश हो रही थी, धूप निकली कल, आज भी धूप थी वहाँ पे सुबह, बट भाई ह्यूमिडिटी भी थी बट इतनी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हाँ वो अलग बात है कि मतलब स्टार्टिंग में इस बार देहरादून में भी काफ़ी गर्म हो गया था, तो लग नहीं आता कि हम देहरादून में रह रहे हैं, अरे भाई। बट द अमाउंट ऑफ डस्ट, तो यहाँ अभी हम 2 मिनट पर रिफिल कराने लगे थे, मतलब मैंने रिफिल नहीं कराया, जो हिमालयन पे उन्होंने यानी चाचा ने रिफिल करवाया बेसिकली, वो देखो रिएक्शन देखो। बहुत गर्मी है गाइस यहाँ पर, अरे भाई साहब स्पीड ब्रेकर देखो
रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन चेक करो भाई बंदे का, मतलब मेरी तरफ मुंडी और सीधी चल रहा हो, मुझे आगे की टेंशन नहीं है। गाइस गाइस चेक दिस आउट, देखो मोस्ट ऑफ मेरे व्यूअर्स में काफी लोग हरियाणा से भी होंगे, तो भाई एक बात कहना चाहूंगा आपको लोग स्पेशली, जिस अमाउंट की खेती आप करते हो ना भाई, देख के दिल खुश हो जाता है। देखो भाई जहाँ तक देखोगे ना वहाँ पे खेती बाड़ी है, जहाँ तक देखो हरियाली हरियाली, मतलब बहुत प्यारा बहुत प्यारा। गन्ने की खेती है, देखो ये गन्ने की खेती है, इधर धान की खेती है, उधर फिर गन्ने की खेती है। भाई ये पता नहीं क्या है मेरे को, शायद ये भी गन्ने ही, हाँ गन्ने ही है अभी। बढ़िया ब्रो बढ़िया, बच्चों का रिएक्शन तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं द ग्रेट खरी ढाबा पे। लुक एट द रिएक्शन, ये कुछ है। वैसे तो जितना नाम है वैसे ऐसे खाली, काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, आई डोंट नो अंदर का सीन कैसा होगा, लेट्स सी देखते हैं। एक देखो रिंग बना रखी है यहाँ पे इन्होंने, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ आना बजट नहीं है, लेट्स सी देखते हैं। सो गाइस दिस इज द इंटीरियर, देखो रिंग बनी हुई है ठीक है, और उसमें बीच में सोफा, इधर बैठते ना इजी। हाँ लेट ना। सो गाइस देखो रिंग बनी हुई है, गुड ढाबा, मतलब इंटीरियर अच्छा है, बट सी इतने लोग नहीं है राइट, बहुत कम भीड़ है। तो भीड़ तो कम ही होगी। तो गाइस अभी देखते हैं कैसे अंदर, अगर मिलते हैं तो आप लोगों को भी मिलाएंगे खली से, खली सर से। अरे भाई तो बहुत लंबे से। तो गाइस हम लोग अंदर रुके हुए थे, अभी तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर नहीं किया है, बट ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। तो दिस इज बॉर्नविटा मिल्क ओके फॉर दिस गाय, ये छोटा बच्चा है हमारा, और हम लोगों ने स्वीट लस्सीज मंगाई हैं और कोल्ड कॉफ़ी मंगाई हैं, तो अभी अपनी स्वीट लस्सी इंजॉय करते हैं। और ये भाई हमारा आई गेस कॉलेज में आ चुका है और बॉर्नविटा मिल्क पी रहा है, अच्छी बात है, बहुत इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अपना बॉर्नविटा मिल्क इंजॉय करिए, मेरे को मेरी स्वीट लस्सी दे दीजिए प्लीज़। तो अभी कुछ खाते हैं, वैसे अभी खरी सर तो आए नहीं, वो सामने देखो रिंग है। तो गाइस भाई लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखो आना खली का ढाबा आना तो वेस्ट हुआ, एक तरह से वेस्ट भी बोल सकते हो, मतलब अभी फ़िलहाल के तो है नहीं, बोल रहे शाम तक आ जाएंगे दोपहर तक आ जाएंगे, पता नहीं इतना टाइम अपने लोगों पे है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से म्यूज़ियम जाना है, पहले से म्यूज़ियम जाते हैं, हमने यहाँ का नंबर ले लिया है, अगर वो लोग बोलते हैं कि हम कॉल करेंगे एक बार आने से पहले, अगर वो लोग बोलते हैं कि आ गए हैं तो हम लोग एक बार मिलने आ जाएंगे, नहीं तो देखते हैं कभी और आएंगे। फिर आ गए यहाँ से म्यूज़ियम जा रहे हैं, तो गाइस यहाँ से निकल चुके हैं और गर्मी हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। अब जल्दी म्यूज़ियम चलो, अरे मत मत छोड़ो, आ जाओ फिर देर हो रही है। गाइस हम लोग कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं, अरे देखो भाई रिएक्शन ऐसा हो सकता है, गॉड स्पीड कैसे जब रिएक्शन है मिले आपको। तो फिलहाल मैं कहते हैं ऐसे म्यूज़ियम जो है अपना वो है 7 से 8 किलोमीटर बचा हुआ, देखते हैं मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरा नेविगेशन वाला बंदा पीछे जो नेविगेशन जिस हिसाब से वो बताता ना भाई, हाँ 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 मज़ा आता है उसकी नेविगेशन देख के। तो फिलहाल के लिए आपको जैसे बता दूँ कुरुक्षेत्र के अंदर है और 6-7 किलोमीटर से म्यूज़ियम है, तो हम जो म्यूज़ियम जा रहे हैं उस म्यूज़ियम का नाम है कुरुक्षेत्र म्यूज़ियम आई गेस, ऐसी कुछ है, या महाभारत म्यूज़ियम ऐसी कुछ है, नहीं नहीं श्री कृष्ण म्यूज़ियम हम जा रहे थे, बट हम आ नहीं जा रहे, हम दूसरी चेंज टू अनदर वन, तो अभी आप लोगों को जाके नाम बता दूंगा मैं क्या है बेसिकली, बट बहुत अच्छा म्यूज़ियम है अकॉर्डिंग टू गूगल रिव्यूज़, लेट्स सी वहाँ जाके पता चलेगा कैसा है, अगर कैमरा सब लौटूंगा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा अंदर से कैसा है। फिलहाल के लिए तो कुछ ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। वेयर इज द एंट्री,
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र म्यूजियम। पार्किंग 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 कहाँ पार्क करो? वहाँ हाँ पीछे। पर्सनल आया रेंट पे क्या जी? बाइक पर्सनल आया रेंट पे? पर्सनल है भैया, रेंट पे नहीं मिलती है, रेंट पे नहीं मिलती। मार्केट प्राइस क्या है इसका? 20। गाइस यहाँ पे मतलब पूरी मतलब नॉट पूरी काफ़ी हद तक महाभारत का युद्ध बताने की कोशिश करी है। दिस इज़ वेयर कि जहाँ पे भीष्म ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट अर्जुन को डिफीट किया था, तो श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया था, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। दिस इज़ वेयर भीष्म ने समाधि ली थी, नॉट समाधि बेसिकली तीरों पे लेट मतलब वो करा दिया था, उन्होंने तीर में बिठा दिया गया था मार के। तो ही वाज स्टिल अलाइव टिल द लास्ट डे आई गेस। पूरी स्टोरी लिखी है मतलब पूरी नॉट पूरी काफ़ी हद तक बताया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जैसे देखो दिस इज़ अ फेज कि जहाँ पे अभिमन्यु चक्र में फंस गया था। एज यू कैन सी सामने देखो हल्का सा देखो, तो पूरा इसको मतलब कॉपी करने नॉट मतलब जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करी गई है। सामने देखो द गाय इज हेड इज़ अबाउट टू बी चॉप्ड ऑफ। तो बहुत प्यारा बना रखा है। गाइस मैं आपको लोग रियलिटी दिखाता हूँ, चेक करो इतना ज़्यादा एंशिएंट स्टफ है ना भाई यहाँ पर। मतलब वो देखो इतना एंशिएंट स्टफ है ना, ये सब 18th देखो 20th CE BC संस्कृत सब कुछ। लुक एट दिस भाई। गाइस चेक करो भाई द अमाउंट ऑफ डिटेल ना, द अमाउंट ऑफ डिटेल इज दिस म्यूजियम हैज अमेजिंग। मतलब इतनी प्यारी डिटेल्स ना गाइस। कैसा लगा म्यूजियम? हाउ वाज द म्यूजियम? गुड भाई, बढ़िया भाई। म्यूजियम आओ जल्दी जल्दी हमें भी लेकर आओ। मतलब दे हैव एवरीथिंग, एंशिएंट चीजें रखी ओरिजिनल भाई। हां जल्दी भाई गाइस लुक एट दिस। मतलब क्या प्यारा लग रहा है। तो गाइस अंदर ना एक्चुअली उस तरफ एक चक्री व्यू की थोड़ी सी उन्होंने वो करेगी थी, मतलब आकृति में आएगी उसके थ्रू हम आए हैं। तो ये था चक्री व्यू। अब आप बेसिकली देखो कितना मतलब कितनी ज़्यादा मैंने डिटेल्स डालने की कोशिश करी है। ये हमारे श्री कृष्ण वासुदेव और ये पड़े हमारे भीष्म पितामह भीष्म बाणों की उस पर क्या बोलते हैं बेड, बेड को क्या बोलेंगे अब आप खुद लगाना। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और भाई इतना प्यारा म्यूजियम, मैं आपको बताऊँ मतलब पैदल हो गया खली से नहीं मिले, अब म्यूजियम जाएंगे बोर होएंगे। मतलब म्यूजियम मेरा था कि मतलब रेटिंग देखी थी अच्छा था, बट मैं कहूँ अंदर इतना प्यारा है ना गाइस। अगर आप कुरुक्षेत्र आते हो ना भाई मस्ट विजिट है, ठीक है। मतलब इतना प्यारा, सारी ऐसा नहीं है कि मतलब डुप्लीकेट सके भाई, एंशियंट चीज़ें रखी हुई हैं रियलिटी में, असली असली चीज़ जैसे बोलते हैं। चलो तो बेसिकली कुरुक्षेत्र आते हो ना आप गाइस मस्ट विजिट दिस म्यूजियम।
कुरुक्षेत्र म्यूजियम करके ये श्री कृष्ण म्यूजियम करके ये दोनों एक साथ ही अगल बगल में, बहुत प्यारी चीज़ मतलब बहुत प्यारा। तो अभी निकल चुके हैं ऐसे, कुछ खाने के लिए रुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए कुछ रुकते हैं, ब्रेकफास्ट के लंच ही करेंगे, तो डायरेक्टली बेसिकली डाइट तो ऑलरेडी बच चुके हैं और बस यही है, खाएंगे और उसके बाद घर निकलेंगे। चलो तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके थे लंच करने के लिए, 4:42 हो रहे हैं और अब घर के लिए निकलते हैं, सीधा घर रुकेंगे। थक गए हूँ बॉयस, थक गए, काफ़ी थक गया हूँ। एक तो मेन थकने का रीज़न मेरा ये सबसे बड़ा ये है कि मेरे जो लेफ्ट एंकल है जिसे हम गियर अप डाउन करते हैं उसमें ना स्प्रेन आ रखा है, मोस्ट टायरिंग चीज़ तो वही हो रही है मेरे साथ। हम लोग ऑलमोस्ट सहारनपुर पहुँच चुके हैं और सहारनपुर के बाद क्या आता है देहरादून। तो देखो सामने बादल है और हम बादलों में जा रहे हैं, वाह वाह। तो गाइस मुझे लग रहा है आपको GoPro निकालना पड़ेगा क्योंकि माइक के साथ GoPro वाटरप्रूफ नहीं होता है। चलो देखते हैं, बारिश होती ही नहीं होती है। वैसे डेफिनेटली मैं पक्का लग तो रहा है आगे देखेगी बारिश आगे हो रही है तगड़ी वाली। लुक एट द व्यू, मुझे नहीं पता कैमरा में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सो वी आर बैक टू देहरादून, हम लोग देहरादून पहुँचने वाले हैं। बस ये मोमेंट पर लुक एट दैट मैन, दिस इज देहरादून फॉर यू। तो वैसे तो खैर मैंने ये अपना वो डाल दिया था रेन सूट, मतलब बेसिकली लाइनर, रेन लाइनर। तो ये स्टार्टिंग में मोड़ गया, बारिश शुरू हो गई थी पर उसके बंद हो गई। ओ भाई गाइस लुक एट देहरादून मैन, लुक एट इट गाइस, साहब कितना प्यारा लग रहा है। सो दिस इज देहरादून फॉर यू गाइस, दिस इज देहरादून। तो अभी तो काफ़ी बारिश हो रही थी, मौसम खुल चुका है और कुछ ऐसा व्यू हो रहा था। रॉबिन मसूरी चले क्या? बट काइंड ऑफ टायर्ड मैन, गुड वेदर टुडे। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से कावासाकी रुकेंगे, उसके बाद इस वीडियो को भी उसी के साथ एंड करेंगे क्योंकि मैं ये बहुत थक चुका हूँ और GoPro की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। फन राइड टुडे। तो गाइस हम लोगों ने कावासाकी से अपना वो ले लिया था फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, बेसिकली डाल दिया उसको। अब थोड़ा मतलब एट बेसिकली उसको आप लोगों को 8 liters ऑफ फ्यूल में डालना होता था, तो हमने 8 liters ही बचा हुआ था एग्जैक्टली, तो उसी में डायरेक्टली डलवा दिया। फ्यूल अपनी कैपेसिटी से पहले क्योंकि उतना ही था, तो उसको यू पूरा एक बार रिसाइकिल होने देंगे, उसके बाद दोबारा से फिलअप करें तो गाड़ी उसके बाद ठीक हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है गाइस तो आप लोगों को जल्दी एक सर्विस लॉग देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा वो। बाय द वे वैसे जैसे आपको बताया था ना, सुबह खर्चा बताऊंगा कितना आ रहा है, तो अब आप जोड़ना शुरू करना। सी 24,000 फॉर द फ्रंट ब्रेक पैड्स, ओके आई गेस 5,000-6,000 फॉर द रेयर ब्रेक पैड्स, ख़त्म है दोनों ख़त्म है आगे पीछे के, ठीक है 30,000 ये हो गए। 15,000 रुपये के आसपास की सर्विस होएगी जिसमें थोड़ा बॉडी भी क्लीन होएगी, ठीक। उसके बाद एक बचता है अपना सेट ऑफ टायर्स, मेरा पीछे का टायर भी ख़त्म हो गया गाइस, तो अपने को लग चुका है मोटा मोटा 90 तो हो गया मेरा, 80,000-90,000 रुपये का फटका लग चुका है गाइस। तो अब देखते हैं शायद से सभी एक साथ कराऊंगा या एक धीरे धीरे कराऊंगा, देखते हैं जो भी होता है। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं इसी के दुख भरे नोट के साथ। तो खैर कहाँ पता ना कि हाथी खरीदना आसान होता है पालना मुश्किल, तो वही चीज़ है। एनीवेज इस व्लॉग में आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करें, मेरा मत जाना कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बड़े से ऐसी व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।